हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों ने मॉर्निंग रूटीन के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर क्या कभी नाइट रूटीन मिस्टेक्स के बारे में सुना है? आज मैं ऐसी ही पांच नाइट रूटीन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपकी नींद, बॉडी एंड स्किन को ख़राब कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1. डू नॉट एक्सरसाइज बिफोर बेड। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, यह आपको फिट रखता है और आपको हेल्दी रखता है, लेकिन रात में करना इज़ अ बिग मिस्टेक गाइस। रीज़न बताता हूँ क्यों। जब आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हो तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं और आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो। लेकिन 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 गाइस, इन नाइट योर बॉडी नीड टू बी रिलैक्स एंड काम, देन ओनली यू फॉल अस्लीप। अगर आप रात में ही करना चाहते हो, आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, तो अपने बेड टाइम से 5 घंटे पहले एम करो कि आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स भी हो जाएगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। टॉपिक इज़ कॉफ़ी या फिर कैफीन। मैं यहाँ पर कॉफ़ी के साथ साथ कुछ और ड्रिंक भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे अल्कोहल, टी, एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन शेक एंड येस, टू मच वाटर टू, बिकॉज इट स्टिमुलेट यू टू गो पी, डेट अल्टीमेटली डिस्टर्ब योर ब्यूटी स्लीप। हेयर कैफीन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिले योर बॉडी क्लॉक जो कि डायरेक्ट आपकी नींद को और स्लीप को अफेक्ट करता है। अब डिले इन बॉडी क्लॉक मतलब क्या होता है समझाता हूँ। मान के चलो आप 8 बजे खाना खाते हो और 11 बजे आप सोने चले जाते हो। एग्जांपल लेके चलो, अगर आपने खाना खाने से पहले जस्ट बिफोर कॉफ़ी ले ली है तो आपको उस टाइम भूख नहीं लगेगी, आप थोड़ी देर बाद खाना खाओगे। और अकॉर्डिंग टू योर बेड टाइम, अगर आप उस टाइम सोने चले जाते हो तो आपको रात में ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आप फेस करोगे। इसके साथ साथ एक चीज़ ऐड करना और चाहूँगा, इसके रिलेटेड ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि रात को आपको अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे को बहुत से बंदों का DM और कमेंट भी आया था कि अरे यार भाई तू गलत बोल रहा है, इसको लेके ही तो हमें नींद आती है। तो भाई पहली बात तो ये, वो आपकी नींद नहीं हुई, वो आपको नशा हुआ, आपको उस नशे से नींद आई, आपकी ये नेचुरल स्लीप नहीं हुई, ठीक है। और सेकेंड बात ये, यार पीना ही है तो पियो भाई, एक शॉट ले लो या एक ड्रिंक ले लो। अब रोज़ की रोज़ ऐसा करोगे कि मिल बैठे चार यार वाली बात होगी तो फेस तो आपको करना पड़ेगा ना। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है, डोंट गो टू बेड डर्टी। ब्रो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक क्लीन। दिन भर आप यार बाहर घूमते हो, लाइक कॉलेज, ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इन सब में आपकी बॉडी डर्ट, सनलाइट, स्वेट फेस करती है। ये सब आपके पोर्स को बंद कर देते हैं, क्लॉट कर देते हैं, आपकी बॉडी पे ये गंदगी सब चिपक जाती है। इसके साथ साथ अगर आप हेयर स्टाइल प्रोडक्ट भी यूज़ करते होगे तो ये सब चीज़ें मिलके आपके स्कैल्प पे जमा हो जाती हैं और सही बता रहा हूँ भाई, गंद मचा देती हैं। इसी वजह से आपको ये सब चीज़ें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप देखोगे आपकी बॉडी ज़्यादा रिफ्रेश फील करेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, आपकी स्किन साफ लगेगी, आपका स्कैल्प भी साफ हो जाएगा। इसके कारण आपको ये एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड, पिंपल, हेयर लॉस, वाइट हेयर प्रॉब्लम, वाइट हेयर इशू भी आपको बहुत ही कम होंगे, एंड यस आपको नींद भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र। आफ्टर क्लीनिंग योर बॉडी और फेस, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र ऑन योर फेस। इट हेल्प यू योर स्किन टू रीबिल्ड एंड रिपेयर। आप लोग इसके अलावा स्किन रिपेयर लोशन, एंटी एजिंग क्रीम, फेस सीरम एक्सेट्रा भी यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको रात को सोते वक्त आपकी स्किन को रिपेयर एंड रीबिल्ड करती हैं। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ क्लीन बेडशीट। ये मत बोलना यार कि या क्या फालतू चीज़ें बता रहा है, फालतू नहीं है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, हमारी बॉडी जो होती है बहुत से बैक्टीरियो का घर होती है। अगर आप सोते वक्त स्वेटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो या बहुत कम भी करते हो, तो भी ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी से या फिर एनवायरनमेंट से ट्रांसफ़र होकर आपके पिलो केस या फिर बेडशीट पर आ जाते हैं। इससे एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड, पिम्पल, स्किन ब्रेकआउट्स, बेल मिशेस एक्सेट्रा प्रॉब्लम होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपको ये सब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोई रेमेडी यूज़ करके या कोई भी मेडिसिन लेके इसको ठीक कर देते हो, बट आफ्टर सम टाइम ये फिर से आ जाती हैं। तो हो सकता है इसका एक रीज़न बेडशीट और आपके पिलो केस हो। मेक इट अ रूटीन टू चेंज इट वंस अ वीक। इसी के साथ ही भाई लोग, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। होप यू लाइक द वीडियो।
और कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखने के लिए। जय हिंद।